जोधपुर कूलर कूलर नव लाओ कितना 5000 रुपए लागे 1500 रुपए मणगो जोरदार हवा केडी गावे नमस्कार दोस्तों, मैं सो गोयल, आप देख रहे हैं YouTube चैनल और फेसबुक पेज। आज हम लेके आए हैं नया वीडियो, जो कि हमारे सामने खड़े हैं वो केड़ा जी गोयल है। वो भी जन्म से ही कम सुनते हैं और कम बोलते हैं। इन्होंने एक नया देसी जुगाड़ बनाया है, जो कि झोपड़े के अंदर एक कूलर बनाया है, वो भी अपने हाथों से बनाया हुआ है। जोधपुर में खरीदे करीबन 5000-6000 रुपए में मिलता है। इन्होंने कम से कम 1200-1300 करीब खर्चा आया हुआ है, एक देसी जुगाड़ बना दिया है। इनका टैलेंट और इनका दिमाग देखेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे, क्या दिमाग है, क्या कूलर बनाया। देखिए एक बार हम बताते हैं, झोपड़े के अंदर जाएंगे, कितना सुंदर कूलर बनाया है हमारे केड़ा जी गोयल ने, क्योंकि दिमाग बहुत तेज है। देखिए एक बार जरूर इस कूलर को देखिए, कितना सुंदर बनाया है इन कूलर को। देखिए काका जी केड़ा जी को पूछेंगे कितने रुपए का ये इस कूलर पे खर्चा आया हुआ है, और जोधपुर बाज़ार में करीबन 5000-6000 रुपए मिल जाते हैं। लेकिन ये कूलर आपको कहीं नहीं मिलेंगे, जो हाथ से बने हुए उनकी भी हवा खा लेना, और एक बार हमारे जो मारवाड़ी देसी अंदाज में बने हुआ कूलर देसी जुगाड़ उनकी भी हवा खा लेना। रात दिन का अंतर है, इस जैसी हवा है इस झोंपड़े के अंदर। और देखिए ये रेगुलेटर लगा हुआ है, इस तरह ये चलता है। तो इनसे बात जानेंगे, आगे बनी रही मेरी वीडियो में। इना कितना रुपया लगा? मोटर लाया, मोटर 8 रुपया लगा मोटर। जाली हो रुपये में जाली आई लार थाटो 150 रुपया। अच्छा हो रुपया खटके रहा रेगुलेटर 40 रुपया इना लगा नहीं नटोरा। अच्छा जो नट बीड़ी उड़ा है पूरा बिल्कुल जाली लागूड़ी है, क्योंकि टाबर भी हाथ नहीं लगा सके, और क्योंकि छोटा मोटा टाबर है तो भी हाथ लगा दे तो भी चोट लग सकती है। अच्छा पाई पाई पड़ रहा यहाँ ला रहे मोटर वोटर लागूड़ी मटकी भी लाई उड़ी है ला रहे। अच्छा अच्छा 3 नंबर लागूड़ा है, चालू करो एक बार, चालू करो मोटर चालू होगी। अच्छा वो 1 नंबर माते फुल स्पीड में आ 3 स्पीड जोरदार हवा आवे ना। कितने रुपए लागा टोटल? 1500। मैं भी आपने दोस्तों यही कही होगा भाई 1300-1400 रुपया लागा करीबन, यहाँ कह रहा है 1500 रुपया लागा है, तेल रूपी खर्चो आयो वाला, बाकी देसी जुगाड़ बन गो है। जोधपुर कूलर कूलर नवा लाओ कितना? 5000 रुपया लागे 1500 रुपया मणगो जोरदार हवा केड़ी गावे 5000 12 लाओ पास बढ़ जावे। हाँ वो भी सही, और बारिश आवे तो काटी जा। हाँ सही, हमारे काका जी है कम बोले है कम सुनी जाए उन्हें, बाकी दिमाग बहुत और टैलेंट है, दिमाग बहुत ही शानदार है। हम दोस्तों हमने बारे जो थाटो लागोड़ो है और कहीं कहीं लागोड़ो है आपने मेरे किला जी साथ में हालेला ये बारे बिल्कुल बतावेला हमने, और एक बार मारी वीडियो साथ भणिया रही जो जन आवो। ये हमारा किला जी गोयल है, तो बिल्कुल बतावेला झोपड़े लार कहीं लागोड़ है कहीं नहीं लागोड़ है। अच्छा ओ आपरे थाटो लागोड़ो है नलकी लागोड़ी है 150 रुपया और वही रायोड़ा है, और मोटर लागोड़ी इन मई मोटर है। अच्छा मोटर लागूड़ी देन पानी उठावे। अच्छा पूरा आपने भिजोड़ो देख लो, देखिए दोस्तों बिल्कुल पूरा भिगा हुआ है। अच्छा दूर थाटा लागोड़ा भिड़ाइय। अच्छा ना हरियम भेड़ो चेपीड़ो है, हरियम बिल्कुल चेपीड़ो है, और दोनों तरफ चारों तरफ बेडिंग किया हुआ है ठीक है, और बी सेंटर में दोनों तरफ जाली लगी हुई है, और बी सेंटर में ये हमारे मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं थाटा ये लगा हुआ है ठीक है, और नीचे वो पत्रो लागोड़ा है। अच्छा इन पानी फाचो नीचो आ जावे फाचो मटकी में हैंग दिन चल जावे हैंग दिन। वाह तो कितना दिन लागा? कितना दिन लागा? 2 दिन लागा, 2 दिन बना दियो। अच्छा अबे हवा कैडी आवे हवा मोई जोरदार आवे। वाह देखिए दोस्तों बहुत ही सुपर ये बना हुआ है कूलर बिल्कुल देसी जुगाड़ में, ऐसा कूलर आपको कहीं नहीं मिलेगा राजस्थान के अंदर, जो टैलेंट भरा है वो राजस्थान के अंदर ही मिलता है। देखिए दोस्तों कितनी हवा तेज आ रही है, देखिए बिल्कुल एक बारी के अंदर ये कूलर बनाया हुआ है,
और कितना मजबूत बनाया है। जाली भी नहीं इधर उधर हो रही है, देखिए ये ड्रिल मशीन के द्वारा छेद किया हुआ है और इसी में नट डाला हुआ है ताकि नीचे ना गिर सके। और ये भी ये लगा हुआ है, रेगुलेटर लगा हुआ है, तो ये भी ना अच्छी तरह ये फिट किया है। ऐसा कूलर हमने कहीं नहीं देखा होगा राजस्थान के अंदर, हमारे राजस्थान के अंदर टैलेंट की कोई कमी नहीं है। टैलेंट होना चाहिए हर व्यक्ति के अंदर, कुछ ना कुछ होना चाहिए नया जो कि